Students, how are you? Are you fine? Okay. Today we are going to learn first class lesson 3, my school. अपने स्कूल के बारे में आज हम लर्न करेंगे. थर्ड लेसन माई स्कूल. ओके, रीड द लेसन केयरफुली. ध्यान से पढ़ना. जो शब्द को स्पेलिंग याद नहीं उसका स्पेलिंग लर्न करना. हाय, आई एम रिया. आई लव माय स्कूल. आई हैव फन एट स्कूल. आई लर्न एंड प्ले विद माय फ्रेंड्स हियर. यहाँ रिया बोल रहे हैं. हाय, आई एम रिया. आप भी ऐसे अपने फ्रेंड को ऐसे ग्रीट करते हैं. आई लव माय स्कूल. रिया अपना स्कूल को बहुत प्यार करते हैं. आपको भी अपना स्कूल पसंद है. स्कूल में आने का इच्छा भी है, लेकिन अभी हम घर पे बढ़ना चाहिए. आई हैव फन एट स्कूल. मुझे स्कूल में बहुत फन होता है. आई लर्न एंड प्ले विद माई फ्रेंड्स हियर. स्कूल में दोस्तों के साथ खेलते हैं, लर्न करते हैं, ऐसा बहुत अच्छा अच्छा काम है. और नेक्स्ट, वी लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिसिट राइम्स. हम स्कूल में न्यू वर्ड्स सीखते हैं. बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स अपने पास आ गया. बहुत ज़्यादा वर्ड्स हम स्पेलिंग मीनिंग याद किया था. पिछले साल भी हमने किया था बहुत, इसी साल और मिलेगा. वी लर्न न्यू वर्ड्स एंड रिसिट राइम्स. राइम्स हमको हम याद करते हैं, फिर सुनाते हैं. ये है रिसिट, जो याद करके बिना देखे सुनाते हैं. ये है रिसिट. वी ऑल्सो प्ले नंबर गेम्स. 1, 2, 3 वाले से नंबर से भी बहुत सारा गेम होता है. मैथ्स का पीरियड में ऐसा नंबर गेम्स हमको मिल जाते हैं. वी रीड मैनी स्टोरीज. स्टोरीज भी अपने बुक में हैं. द थ्री लिटिल पिग्स इज माई फेवरेट स्टोरी. जिया का फेवरेट स्टोरी है थ्री लिटिल पिग्स. अगर आपको रीड करने के लिए चांस मिल जाएगा तो ये थ्री लिटिल पिग्स का स्टोरी भी रीड करना, बहुत अच्छा है. वी सिंग सॉन्ग्स इन द म्यूजिक क्लास. म्यूजिक क्लास भी अपना जिया का स्कूल में है. उसमें जिया गाना भी गाती है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी है, वो भी सीखते हैं. ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड ए फार्म. इया इया ओ. पहले मैंने यूकेजी में सिखाया होगा ओल्ड मैकडोनाल्ड का राइम्स. एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम चिक्स. इया इया ओ. अच्छा है, ये भी एक अच्छा राइम्स है. किसी को याद है तो और बोल के देखना. अगर भूल गया तो अपना फ़ोन में ये निकाल सकते हैं. ओल्ड मैकडोनाल्ड का यूट्यूब में मिल जाएगा. ढूंढ लो, ढूंढ के निकाल के देख लो, सुन लो और सीखना. ओके, ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड ए फार्म. इया इया ओ. एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम चिक्स. इया इया ओ. ऐसे और मैकडोनाल्ड का फार्म में बहुत सारा जानवर है. वो जानवर का सारे आवाज इसे लगा के ये गा सकते हैं. और ओल्ड मैकडोनाल्ड हैड ए फार्म. इया इया ओ. एंड ऑन हिज फार्म ही हैड सम डक्स. इया इया ओ. ऐसे सारे जानवर का आवाज करके ये गाना गा सकते हैं. ओके, वी लव टू प्ले इन द प्ले ग्राउंड. हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं खेलने के लिए. सम ऑफ माई फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट. कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. आई लाइक टू प्ले ऑन द स्विंग. जिया क्या पसंद करती है? वो झूला झूलने का पसंद करती है. प्ले ऑन द स्विंग. आई हैव लंच विद माई फ्रेंड्स. लंच के टाइम में हम एक साथ लंच करते हैं.
वी शेयर अवर फूड विद ईच अदर। जिया अपना फ्रेंड्स के साथ अपना फूड भी शेयर करते हैं, लेकिन आजकल इतना हम शेयर नहीं करना है। ओके हाँ, अपना अपना खाना अपने घर से चलाते हैं, वही खुद खाना है, क्योंकि आज बीमारी फैलता रहता है, इसलिए हम इतना खाने को शेयरिंग करना अच्छा नहीं। इन द आर्ट क्लास वी डू मेनी एक्टिविटीज़। आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, हम भी करते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में। सम ऑफ अस डू पेपर क्राफ्ट वाइल द अदर्स पेंट। कुछ बच्चे पेंटिंग करते हैं, कुछ बच्चे ड्राइंग करते हैं और पिक्चर को कलर करते हैं, कुछ बच्चे पेपर से काट काट के कुछ शेप बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं, ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट में कई चीज़ें हम करते हैं। आई लव टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड कलर दम। जिया ड्राइंग पसंद करती है, ड्राइंग भी जिया को पसंद है, वो पिक्चर बना के ड्रॉ करके उसमें कलर करती है। वी से गुड बाई टू ईच अदर बिफोर वी गो होम। जब सुबह से लेकर छुट्टी तक पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, एक साथ लंच करते हैं और बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं, वो लर्न करते हैं, फिर जाने से पहले टीचर को गुड बाय बोलते हैं। अभी जाने के टाइम गुड आफ्टरनून बोल के जाते हैं टीचर को और अपना फ्रेंड्स को। गोइंग टू स्कूल इज सो मच फन। स्कूल में जाना बहुत अच्छा है, खुशी खुशी में स्कूल में जाना है, किसी चीज़ में लापरवाही नहीं होना चाहिए, तब हमको खुशी मिलते हैं। पढ़ने में लापरवाही, लिखने में लापरवाही, काम करने में लापरवाही, ऐसे करेगा तो हमको कभी भी स्कूल जाने का खुशी नहीं मिलेगा। हम हर चीज़ मन लगा के करना खुशी खुशी से, तब स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, हर बात में हमको खुशी मिलते हैं। समझ में आया? रीड द लेसन 10 times। ओके एक एक शब्द को स्पेलिंग याद करना, जो स्पेलिंग याद नहीं है वो ज़रूर याद करना, इसका हिंदी भी समझना। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो फ़ोन करके भी पूछ लो। और अपना एक ऐसे भी मैंने इसके साथ माय स्कूल के बारे में भेजेंगे, वो भी लर्न करना, वो लर्न करके रखना, एग्जाम में आएंगे माय स्कूल, ऐसे ध्यान से करना। ओके इसके साथ इसका पीडीएफ भी बाद में डालेंगे। ओके अपना 1, 2, 3 लेसन्स शुरू से रिवाइज करके भी लर्न करके रखना, नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे आएंगे। ओके थैंक यू।